तो आज मैं आपको बताऊंगा हाउ टू ग्रो फूड क्रॉप विद वेरी इजी स्टेप्स। तो क्या नाचोगे? चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं एंड अब हमें यहाँ पर जल्दी से डर्ट ले लेनी होगी। यहाँ पर आप ग्रीन डर्ट भी ले सकते हैं एंड नॉर्मल डर्ट भी ले सकते हैं। तो मैं डर्ट ले रहा हूँ, आप इसको उठाकर भी बना सकते हैं, अंडरग्राउंड ग्राउंड मतलब तोड़कर भी बना सकते हैं, बट मैं इसको ऊपर से बना रहा हूँ। तो मैं इसको जल्दी से यहाँ पर चार इसको ऐसी लाइन बनाना शुरू करता हूँ। तो यहाँ से शुरू करते हैं एंड यहाँ पर मैं इसके पीछे पीछे जल्दी से ब्लॉक लगा देता हूँ। तो यहाँ पर एक ब्लॉक यहाँ, एक ब्लॉक यहाँ, एक ब्लॉक इधर एंड इधर मैं जल्दी से ब्लॉक लगा देता हूँ। इधर भी हो गया, इधर रह गया, हो गया हो गया हो गया। उसके बाद अब हम इसको थोड़ा सा पीछे से भी एक्सपेंड कर देते हैं। पीछे से भी हम इसकी दो तीन लाइन को मतलब दो तीन डॉट और लगा देते हैं ताकि फार्म थोड़ा सा बड़ा रहे एंड अच्छे क्रॉप्स दें हमको, ज़्यादा दें। यहाँ गलत लग गया गाइस, इसको जल्दी तोड़ देता हूँ मैं। ये टूट गया। अब चलो अब यहाँ पर मैं अगले भी लगाना शुरू करता हूँ यहाँ। अरे टूट गया, अरे क्या हो रहा है भाई। यहाँ पर मैं लगाता हूँ जल्दी से, यहाँ पर लगाता हूँ, ये लग गया एंड ऐसे ही मैं और यहाँ पर चार ब्लॉक और कर लेता हूँ एक एक लाइन छोड़कर। तो यहाँ पर ये चार हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर एक लास्ट ब्लॉक लगाकर अब मैं इसको जो बीच वाली जगह बची है इनको ज्वाइंट कर देता हूँ। एक यहाँ पर एंड एक यहाँ पर एंड एक कर देते हैं। अरे गलत लग गया, गलत लग गया। तो अब मैं इसको इधर से भी कनेक्ट कर देता हूँ लास्ट ब्लॉक, ये मैंने कर दिया। अब इस साइड आ जाते हैं, इसको भी यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं क्योंकि हम बीच में भरेंगे पानी, तो इसके लिए पानी बाहर ना चले जाए एंड हमारा फार्म ख़राब ना हो। इसीलिए जल्दी से मैं यहाँ पर इसको लास्ट ब्लॉक लगा, ये हमारा कम्प्लीट हो चुका है। तो ये अब कुछ ऐसा लग रहा है, आप देख सकते हो अभी तो ये बहुत नॉर्मल सा लग रहा है। तो चलो अब मैं इसके साइड में लगा देता हूँ फेंस ताकि ये बढ़िया लगे। तो जल्दी से मैं फेंस ले लेता हूँ। यहाँ पर फेंस यही रही, फेंस यहीं पर है। तो यहाँ पर मैंने फेंस ले लिया एंड फेंस लेकर आप कोई भी फेंस ले सकते हो एंड इसको यहाँ पर मैं जल्दी से लगा देता हूँ एक एक ब्लॉक इधर से छोड़ कर। तो जल्दी से मैं इसको चारों तरफ से लगा। तो यहाँ पर मैंने इसको पूरा कंप्लीट कर लिया, तो ये अब कुछ ऐसा लग रहा है। तो चलो अब मैं यहाँ पर इसका लगा देता हूँ फेंस गेट। तो फेंस गेट भी मैं इसी कलर का ले लेता हूँ, मतलब इस पोर्च की वुडो का एंड मैंने लेकर अब मैं इसका आ जाता हूँ फ्रंट के फार्म में ताकि हम अंदर बाहर हो सकें। तो मैं यहाँ पर जल्दी से इसको एक ब्लॉक को यहाँ पर तोड़ देता हूँ एंड यहाँ पर जल्दी से एक लगा देता हूँ। ये लग, अरे ये कैसे लग गया, ये तो फेंस लग गई, तो फेंस गेट लगाना था। तो फेंस गेट यहाँ पर लग चुकी है एंड अब हम इसके अंदर जाकर मैं देखते हैं। यहाँ पर अंदर बाहर हम हो जा रहे हैं। तो अब ये लग रहा है कुछ ऐसा, ऐसे हमने कुछ करा नहीं पर मैं तब भी दिखा देता हूँ। अब हम लोग इसमें वाटर को ऐड करेंगे, बीच में वाली लाइन जो बची है। तो वाटर को मैं जल्दी से लेता हूँ एंड वाटर को जल्दी से ऐड यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं। वाटर को हमने ले लिया एंड अब चल इधर से लग, चल हाँ इधर से हमने यहाँ पर लगाया। बीच वाली लाइन में हमको वाटर को भरना है और हमको तीनों लाइन में इसको जल्दी से भर देना है अच्छी तरह। तो यहाँ पर मैंने तीनों ब्लॉक्स में पानी भर दिया है अच्छे से बिल्कुल। अब यहाँ पर हम लोग फूड को ग्रो करेंगे। तो बहुत लोग होते हैं वो आते हैं इस पे सीड लगा देते हैं बट उनके ग्रो नहीं होते, तो इसलिए हमको फूड को ग्रो करने के लिए चाहिए हॉय। हॉय से हम लोग ऐसे कर करके हम फूड को ग्रो कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं सर्वाइवल क्रिएटिव में खेल रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पर डायमंड की हॉय है। तो अब हॉय से करके अपनी लैंड को ऐसे कर सकते हो, अब बस हल्का हल्का प्रेस करना है एंड ये ऑटोमेटिक सी लैंड ऐसे हो जाएगी। तो अब हम इसको जल्दी से चारों लाइन में कर लेते हैं हॉय से ताकि हम आराम से अपने फूड को ग्रो कर पाएँ। तो चलिए
तो यहाँ पर मैंने कर लिया, अभी दो तीन बच्चे इनको मैं जल्दी से कर ले रहा हूँ। तो ये मैंने हॉय से पूरे इसको अपने फार्म को बना दिया है, यहाँ पर अब आराम से प्लांट्स उग सकते हैं। तो अब हम लेते हैं अपने सीड्स, तो हम सर्च सीड कर लेते हैं। आपको वैसे और सीड बहुत सारे मिल जाएंगे सर्वाइवल में, बट यहाँ पर सीड सर्च करने में हमको चार सीड आ रहे हैं, वीट सीड, पम्पकिन सीड, बीटरूट सीड एंड मेलन सीड। हाँ मेलन सीड है ना, हाँ मेलन सीड आ रहे हैं। तो अब इनको जल्दी से अपने चारों लाइन में चार तरह के पौधों को जल्दी से लगा देते हैं। सबसे पहले हम बीटरूट लगाएंगे एंड जल्दी से चारों लाइन में चार तरह के पौधे को लगा देते हैं। तो यहाँ पर मैंने लगा दिया सारे में, अभी ये दो तीन और रह गए यहाँ पर, इनको भी मैंने यहाँ पर लगा दिया, ठीक रह गया यहाँ पर, हाँ ये लग गया। तो अब हमारे क्रॉप्स को हमने उगा दिया है, अभी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। बट अगर आपको इंस्टेंट क्रॉप चाहिए तो उसके लिए आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ, जिससे आपको इंस्टेंट क्रॉप मिलेगा वो है बोन मील। बोन मील आपको मिलेगा वो हड्डी वाला जो होता है तीर मारता है, उसको जो आप मारोगे बोन मिलेगा एंड उससे आप आराम से बोन मील बना सकते हो। तो हम लोग बोन मील को अगर मारेंगे तो हमारे जो क्रॉप्स हैं वो इंस्टेंट के इंस्टेंट जल्दी से ग्रो हो जाएंगे। मैं आपको मार के दिखाता हूँ, आप इसको बस हल्का सा क्रॉप पे टच करवा देना है एंड देखिए हमारा क्रॉप ग्रो, बीटरूट था बीटरूट हमारा ग्रो। अब मैं इसको जल्दी से सारे क्रॉप पे मारता हूँ एंड फिर आपको जल्दी से दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसे अपने सारे प्लांट्स मार लिया है। अब अगर आप नहीं मारना चाहते थे तब भी आपके जो ये थे आराम से क्रॉप्स उग सकते थे, बट यहाँ पर अगर आपको इंस्टेंट जल्दी जल्दी चाहिए तो आप बोन मिल को आराम से यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर जो हमारा फार्म है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। तो अब हम यहाँ पर अपना एक साइन बोर्ड लगा देते हैं, साइन बोर्ड हम लोग जल्दी से ले लेते हैं। तो ये साइन बोर्ड SIGN, तो साइन बोर्ड ये रहा हमारा, साइन बोर्ड भी हम स्पर्श वाला लेंगे। साइन बोर्ड को ले लिया, साइन बोर्ड को हम इधर, हाँ इधर लगा देते हैं लास्ट वाले पे। साइन बोर्ड को लगा दिया एंड यहाँ पर कैपिटल लेटर में लिख देते हैं फूड क्रॉप्स, जल्दी से फूड CROP क्रॉप, क्रॉप को लिख कर यहाँ हमने लगा दिया एंड हमारा फाइनली जो पूरा हमारा फार्म है वो रेडी हो चुका है। तो अगर आपको ये फार्म पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट में बताना एंड अगर आपको इससे भी ईजी एंड बढ़िया चाहिए तो कमेंट में बताना एंड चैनल पर न तो सब्सक्राइब करके लाइक कर देना। बाय गाइस, मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में। और अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मार दो, और नहीं आई तब भी लाइक मार दो, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता, सही बता रहा हूँ फर्क नहीं पड़ता, बस लाइक मार दो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर कुछ भी फेंक के मारो, ये माइक फेंक के मारो, ये कैमरा फेंक के मारो, मैंने उल्टा बोल दिया लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बस सब्सक्राइब करो, मुझे नहीं पता।